घटिया लोगों के सामने काहे अनारकली बन रहो? अरे तू समझ क्यों नहीं रही है यार, नन्हे हमारी बच्ची को बचा रहा है। बच्ची को बचा रहो पर तुम्हें तो नचा रहो ना। दीदी ऐसा है कि जल्दी जी हमारे लिए डांस करने वाले हैं। दीदी प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। दीदी दीदी इनको तो डांस आते ही नहीं होगा। दीदी ये तो डांस के नाम पे उछलते हैंगे। दीदी ओ नो दीदी, डांस का होता है हम बताते हैंगे ना दीदी। ओके दिखाइए दीदी। व्हाट तू मिली नहीं? अरे कैसे मिलती यार, ये खटारा गाड़ियों का मैकेनिक जो वहाँ पे डेरा डाल के बैठा हुआ था। क्या बात कर रही है यार? सच्ची यार सब पे है माय गॉड। मेरे अरमानों पर दुलत्ती पड़ गई, कलेजा टूक टूक हो गया और तुम मुझसे कह रही है जस्ट रिलैक्स। समझ नहीं आ रही है कि उस बड़बोली बिल्ली को ये बात पता चली तो चली कैसे बे? मुझे क्या पता, मैंने कोई खुफिया एजेंसी थोड़ा खोल रखी है। ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना। तित्तू कोइंसिडेंस होना तो ही अच्छा है। अगर इस खटारा मैकेनिक को मेरे लव लाइफ के बारे में पता चल गया ना तो, वरना वो तो तेरी लव लाइफ की बैंड बजा देगा। बेटे गुल्लू मेरे सूखे रसगुल्ले, आगे का प्लान बता दे बेटे। यार तू इस बार ना उसे किसी गार्डन में मिलियो। गार्डन में? हाँ बिकॉज कॉफी शॉप का तो आइडिया फेल हो गया। लेकिन मैं उसे सामने से नहीं बुलाऊंगी मिलने के लिए। तो फिर वेट कर ले। नहीं कहीं वो हाथ से निकल गया तो? यार यू आर बैडली कंफ्यूज्ड। चुप कर गुल्ली। हबीबा से एक बार फिर मिलो कहीं और। कहाँ और? गुल्लू कॉफी शॉप पे तो बिल्कुल मत मिलना, नहीं तो वो चंट लड़की फिर से मिलेगी। इस बार तुम गार्डन में मिलो। कौन सा गार्डन? लोधी गार्डन? गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस? ना। बुद्धा गार्डन? ना। तो फिर दिलसाद गार्डन। अबे दिलसाद गार्डन में कौन से गार्डन की लूट है? ओ ज्योति जी उसी का मैसेज है, तू मिलने के लिए बुला रहा है दिलसाद गार्डन। हैं दिलसाद गार्डन में तो कोई भी गार्डन नहीं है। हट चली, जहाँ तो प्यार करने वाले मिलते हैं वहाँ खुद गार्डन बन जाता है और मैं उसे अब हाँ कहूंगी क्योंकि मेरा दिल दिलशाद गार्डन हो रखा है। हैशटैग दिल गार्डन गार्डन पोज। अरे भाई वाह भाई वाह, भाभी क्या बदन तोड़ डांस किया है ना। इतना भी नहीं, हमारे खुजे में इससे अच्छा डांस होता है, दिखाए क्या? दिखाइए दिखाइए भाभी दिखाइए। ओके क्या करें, जल्दी बैठ यार, तुम्हारी भाभी बेइज्जती कराई थी यार। फिर कभी यार नन्हे तुझे डांस तो मिल गया ना यार, अब तो काम कर दे। नहीं डांस तो मिल गया पर चेन नहीं मिला भैया, तेरे एक साइन चाहिए। कैसा साइन? कहाँ चाहिए तुझे साइन यार? प्रॉपर्टी के कागज पे चाहिए। वाह वाह नन्हे वाह, एक तो तूने मेरी बच्ची को गलत इल्जाम में फंसाया। हमने नहीं फंसाया, तेरी बेटी को गलत इल्जाम में बातें कर रहा है। हम इतने गिरे हुए इंसान नहीं है जो दूसरे की बच्ची को फंसाया अपने लालच के लिए। अबे इतने घटिया भी नहीं हम लोग। और उसे बचाने के लिए जो तू कीमत मांग रहा है वो नहीं, इतने घटिया है भैया नहीं इतने। देखा जल्लू आ गया जल्दीराम अंटे में। सीपी के पापा तो ना हैगी,
कौन है तू? इतना नचवाया उसने तुझसे और खामखा मुझे भी नचा दिया। देखा इस आदमी को, इतना कमीना है ये आदमी। तो तुम्हें आज पता चलो है। सुन, अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हवेली छोड़ के चला जाऊंगा, सच बता रहा हूँ। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, कामाई लल्ली कातिल हैगी? मैं तुझ पे शक कर सकता हूँ लेकिन अपनी बच्ची पे नहीं कर सकता। अरे पर हमें तो शक हो रहा हो। क्या मतलब? वो तुमने हमने रात में पानी लाने भेजो तो ना। हाँ तो हमने देखो। क्या देखो? ये किसी पे बाहर से आ रही थी, हमने पूछो कहाँ से आ रही थी, तो बोली हम बोर हो रहे थे, अकेला ने हम घूम रहे थे। तेरा कहने का मतलब है सीपी कातिल है? हमें तो यही लग रहा हूँ। और बाई दिन तो वो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही थी, वो खुशीराम के घर में जात भई थी। हे भगवान, जो तुमने कहा करता हो। अरे ये सब तेरा किया धरा है। कहा कह रहे है? तुझे पता है ना, जब सीपी पेट में थी तब तूने अपने कुख्यात पिताजी की फोटो ठीक बेडरूम में अपने सामने लगा रखी थी। हर वक्त तू नहीं देखती रहती थी। देखा तूने, हो गई ना कुख्यात बेटी पैदा। अरे बाबूजी की फोटो तो हमने जाके लाने लगाई थी कि हमारी लल्ली निडर बने। निडर कहाँ, वो तो कातिल हो गई। अरे बच्ची को बचाने के वास्ते कछु प्लानिंग करो। इतने बैठ के फालतू की बकवास कर रहे, हमारी लल्ली को जेल है जाएगी तो ना। मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा, बता रहा हूँ तुझे। मैं सब कुछ बेच दूंगा लेकिन अपनी बच्ची को जेल नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी बच्ची को लेके बहुत दूर बॉर्डर पार नेपाल चला जाऊंगा। हो यो ठीक हुन्छ, हामी सबै मिलेर नेपाल में गएर बस्ने त्यही राम्रो हुन्छ है। वो शादी से पहले हमो एक नेपाली बॉयफ्रेंड है तो माने सिकाई का तुम्हें कोई प्रॉब्लम हैगी? का बट आई लव यू। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछ रही थी कि हम दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? उड़े, ये बात तो मेरे शार्प माइंड में कौंधी नहीं। मेरे हाथों में एक रेड रोज का बुकेट होगा, तू पीले पकड़ लियो। पीले रोजेज पिक कर लीजिएगा और हम दिलशाद गार्डन चौक पे मिलेंगे। सी यू। अबे लाल गुलाब का बुके ले रही हूँ, क्या प्राइस हुई इसकी? 100 रुपया। 100? ले, कीप द चेंज, बाद में लेता हूँ। बस भैया येलो फ्लावर्स देना। हाय। हाय। क्या कर रही थी यहाँ पे? पहले मैं क्यों बताऊँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो वर्क रिलेटेड मीटिंग के लिए आया था, क्लाइंट से मिलने के लिए। तू बता। मैं भी मिलने आई थी किसी से। ये रेड फ्लावर्स, ये रोजेस किसके लिए हैं? जिसके भी लिए हो, तेरे लिए तो बिल्कुल भी ना है। तू क्यों ये पीले फूल लिए बल खा रही है यहाँ पे? वो तेरी। ये हैंडराइटिंग तेरी है? कैसी बात है, मतलब मैसेज में से हैंडराइटिंग पढ़ने की कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है अब? ओ डंबर, मैं ये पूछ रही हूँ कि तूने अपने हैंड से लिखा है ये?
तेरे फोन पे मेरी हैंड राइटिंग। हबीबा चुगनू मेरा। और भाई क्या सोचा है फिर? यार नन्हे, कल रात मैंने बहुत सोचा। डीप थिंकिंग है। हमारे लाने ना, हमारी लल्ली सबसे ज्यादा कीमती हैगी। तब सुन, अपनी बेटी पे ना ऐसे 10 घर कुर्बान। तू ला, बाकी के 9 घरों की चाबी दे ला। हेलो, अभी तुझे इस घर की भी चाबी नहीं मिलेगी। शर्त यह है कि इस हाथ जो है केस रफा दफा और दूसरे हाथ जो है प्रॉपर्टी की चाबी, समझ रहा है? रफा दफा करना तो हमारे नानू के बाएं हाथ का खेल है, यू नो ही इज लेफ्टी। लेफ्ट हैंड से करो के राइट हैंड से करो, जो भी हैंड से करो, हमारी बच्ची को बचा लो बस, तभी हम ये घर छोड़ेंगे। यही बात लिख के दे। मैं अपनी जबान दे तो रहा हूँ मैं ना। मेरी जबान पे भरोसा नहीं है तुझे? अरे मुझे अपनी पे ना है। डर्टी टंग है ले, ले। अबे सुन है? बात कर लियो। अबे कर लेंगे पट्ठा अपना अंत दे अंदर। हाँ भाई, केवे हो सारे? आमिर टेडी बियर पप्पी पाले भैया पप्पी ले 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 ले। एक तो मैं भी लूंगा। आहा मजा आ गया भाई। सुन, तुझसे एक जरूरी काम है यार। ओ एक मिनट रुक जा यार, जरूरी काम तो मेरे को है ये अंकल से। हाँ क्या नाम है इनका? राठी जी जनाब। गुलाटी इनका नाम क्या है? खाकसार को जल्दीराम कहते हैं। मुशायरा चल रहे थे, साफ साफ नहीं कह सकते हमारा नाम जल्दीराम है गो। हाँ तो जल्दीराम जी, एक्चुअली खबर ये है कि हमारे थाने में से आपकी बेटी की सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। रिट्रीव भी नहीं हो रही, परमानेंट डिलीट हो गई है। डिलीट हो गई है? डिलीट है गई? डिलीट हो गई? चल लिया वे? अबे ऐसे कैसे डिलीट हो गई? ए ध्यान क्या तुम्हारा? काम पे ध्यान नहीं है, फोकट की पगार ले रिया तू। ए पूरा ध्यान इसका चुम्मा चाटी पे, काम मत कर, बाकी सब कर। बात कर रिया है, बताओ डिलीट करवा दिया से यार। What nonsense! मैं क्या बोल रहा हूँ गुलाटी जी, मुझसे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा जज्बाती हो गया था, इमोशनल हो गया, सॉरी। इमोशनल फूल। सुन टेडी बियर, ज्यादा इमोशनल ना हो, ठीक है? नहीं तो मोशन लग जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है लग गए। ओह नो, हे राहु देवता, तुम बहुत कृपालु हो, आपके होते मेरी बच्ची का कोई बाल वाका नहीं कर सकता। अंकल जल्दीराम जी जी, एक गल दसो, कहीं ये फुटेज आपके राहु महाराज ने डिलीट तो नहीं कर दी? मैं हूं राहु, मैं ही हूं केतु, सारे सबूत मैंने ही मिटाए हैं।
हटना। नहीं मतलब लड़के डायरेक्टली तेरे झांसे में नहीं फंसे तो इस लेवल की घटिया हरकतों पर उतर आई तू। यही बात लानत में लपेट कर तेरे मुंह पे मार सकती हूँ मैं। तू भी तो चैट पप्पी जगने में ना घूम रहा था बेशरम। हाँ तो गुल्लू ने जोर जबरदस्ती से मेरा अकाउंट बना दिया, उसने मजबूर किया मुझे ये करने को। तो मेरे पीछे क्यों पड़ गया था हाथों के तू? ओ हेलो, तो मुझे पता था कि हबीबा तू है, और तूने भी तो अपना नाम हबीबा रखा हुआ था। मुझे पता होता कि हबीबा तू है तो मेरा दो नंबर का पाना भी ना आता तुझसे मिलने। और मुझे पता होता कि जुगनू की जगह तू जुगाड़ू है तो मेरी फ्लाइंग चप्पल आती तेरे मुंह पे बजती हो। एक्सक्यूज मी, यू आर एक्सक्यूज फॉर लाइफ। कौन है मैं? ए, बुरा काम मान रहे हो भाई, होली है। बड़ा होली का खिलाड़ी बन रहे है? अरे दो तीन दिन है बेटा, शांति रख लो, होली आने वाली है। अत्ता हुआ आंटी, आपने बता दिया, वरना हम बत्तों तो पता ही नहीं था। थैंक यू आंटी जी। अरे तुझे नहीं बोल रही हूँ, इन निकम्मे लड़कों को बोल रही हूँ। आंटी किसको बोल रहा है हाँ तो तुझे ही तो शौक चढ़ा है दुनिया जान को बेटा बुलाने का। और बोल, तू भी तो बेटा बेटा बुलाता ना लोगों को, तुझे भी अंकल बुलाते? नो, मम्मी कहती है मेरा बेबी फेस है, मैं तो अंकल दिख ही नहीं सकता। तू भी ना, ये कमबख्त लड़के मुझे आंटी बुला रहे हैं, खूबसूरत जवान लड़की को तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ना? मुझे की शर्म आएगी, मुझे तो कुछ नहीं कह रही है। तुम भाड़ में जा। क्यों बे, बड़ा आंटी आंटी बुला रहे हो? तुम दोनों कमीनों को बद्दुआ है मेरी कि प्यार करने वाली लड़की नसीब ना हो, जोकर्स। अले अले, तुम तो बुला मल गई डार्लिंग, हम तो मदा तल लेते। अबे ब्यूटी इज ओनली सी, डोंट टच। अबे महिपाल भैया पे हाथ कैसे उठाए बे? अबे तेरे महिपाल भैया की तो कितने सी। अबे इतने दुबला मार लियो, थले थले तू मुंह देख ला है, मारो थले तो। अबे ताले मेरे भाई तो मान ला है। तू बीच में क्यों कूदा? मैं संभाल लेती ना सब। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे जब बीच में कूद के नचवा लिया मैंने खुद को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.